हेलो, वेलकम टू आर्टिटर्स। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से प्लांट बनाएंगे। तो चलिए ये तीन प्लांट बनाते हैं, तो बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं थर्मोकॉल, मेरे पास बहुत सारे वेस्ट पड़े हुए थे, मैंने सोचा इसका ही यूज़ कर लेते हैं। तो इससे बेसिकली हम बना रहे हैं एक शेल्फ, ठीक है, जिसके ऊपर हमारे छोटे छोटे क्यूट क्यूट से प्लांट हम रखेंगे। तो इसके लिए पहले मैं शेल्फ बना रही हूँ, तो इस तरह का कुछ मैंने कट कर लिया, मतलब सिंपल सी सीधी सी इस तरह की एक शेल्फ रहेगी। तो इसको पहले ग्लू से अच्छे से लगा लिया, स्टिक कर लिया, फिर थोड़ा सा मास्किंग टेप कर दे रहे हैं ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए आपस में, ठीक है। अब चलिए इसके ऊपर साइड के एजेस को भी अच्छे से मास्किंग टेप से कवर कर लेंगे। तो ये जो रहता है ना, आप अपने किसी भी वेस्ट मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे वेस्ट मटेरियल का भी यूज़ करके हम इसे बनाएंगे, ठीक है। तो घर के जितने भी बेकार चीज़ें ना, जैसे कि ये थर्मोकॉल बिल्कुल वेस्ट पड़ा हुआ था, पता नहीं कुछ आया था उसमें आया था, तो मैं इसको रखा था कि कुछ ना कुछ तो इसका यूज़ कर ही लेंगे। अब इसको अच्छे से कर लिया, अब यहाँ पर मैंने वॉल पुट्टी में अच्छे से वाटर को मिक्स करके एक पेस्ट बना लिया। अब इससे पूरे से कवर कर देंगे अच्छे से, ठीक है, ताकि ये थोड़ी सी स्टडी हो जाए, थोड़ा अच्छा लुक आ जाए। अब ये अच्छे से एक दिन के बाद ड्राई हो गए, इसको अच्छे से सैंड पेपर करके घिस के अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। अब इसके ऊपर ना मैं सबसे पहले ब्लैक पेंट कर रही हूँ, बेस कोट दे रही हूँ, ठीक है। तो इस शेल्फ का जो लुक रहेगा ना, वो बिल्कुल वुडन लुक में देने वाली हूँ, ठीक है। तो एकदम डार्क वाली जो वुड होती है ना, उस तरह का मैं कुछ कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने बर्न्ड अंबर शेड लिया ब्लैक के बाद, इससे अच्छे से शेड करेंगे और बस सिंपल सा एक डार्क वाला टेक्सचर मैंने दिया है वुड का, ठीक है। तो इसी तरह से इसको बना देते हैं। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी ना कि मैं कुछ इंडोर प्लांट्स बनाती हूँ जो कि बिल्कुल जिसका लुक एकदम रियलिस्टिक रहे। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब चलिए सबसे फर्स्ट प्लांट जो हम बनाएंगे, स्नेक प्लांट बनाएंगे। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने यूज़ किया छोटे वाले वायर का, मतलब छोटे वाले नहीं, पतले वाले वायर और मास्किंग। तो इन्हीं का यूज़ करके हम बनाएंगे। तो स्नेक प्लांट ना मेरा फेवरेट होता है, पहले मैं मतलब फेवरेट होता है, मतलब हमेशा से फेवरेट था, है, रहेगा, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं मैं क्या बकबक कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने, आप प्रोसेस देख के आप समझो। तो मैं ना बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं इस तरह का कुछ बताऊँ। स्नेक प्लांट को बहुत अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि स्नेक प्लांट, सेंसरवेरिया, ठीक है, साथ ही साथ आपका मदर इन लॉ स्टंग, मतलब अलग अलग तरीके का इनका नाम है। तो पहले तो मैं अपने रूम में बहुत ज़्यादा प्लांट रखती थी, तो ना अब तो प्लांट बहुत कम मैंने रख दिया है अपने रूम में कर दिया है। पहले इस तरह से मेरा कुछ रूम होता था, पूरे में प्लांट था। अभी जैसा आपको दिखता ना, वो बिल्कुल वैसा नहीं था, बिल्कुल अलग था, ठीक है। तो मुझे इंडोर प्लांट ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने स्नेक प्लांट, अलग अलग तरह का बहुत सारा प्लांट रखा है। अच्छा, स्नेक प्लांट ना होता बहुत अच्छा है, लो लाइट में भी बहुत अच्छा ग्रो करता है, लेकिन ना इसका क्या है कि बहुत स्लो ग्रो करते हैं, ठीक है, बहुत धीरे ग्रो करते हैं। लेकिन अगर ये एक बार ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो ये बहुत मतलब तेज़ी से फैलने भी लगता है, ठीक है। शुरू में आपको बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। मतलब ना ये आपका क्या है ना कि ये रात में भी जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ये रात में भी ऑक्सीजन देते हैं। तो आप इसीलिए आप इसको इंडोर रख सकते हो, बहुत अच्छा बेनिफिशियल प्लांट है ये। लेकिन ना इसकी लीव जो होती है ना, उसमें पॉइजन होता है, तो ह्यूमन के लिए भी और पेट्स के लिए भी, मतलब अगर लीव कोई भी गलती से भी अगर पेट आपके खा लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दे रहे हैं। तो अब इस तरह से स्नेक प्लांट तो हो गया था रेडी। अब इसके लिड के लिए मैंने क्या किया है, शैम्पू की बॉटल का ऊपर का जो लिड था ना, सॉरी लिड नहीं, प्लांटर के लिए, उसका मैंने यूज़ किया। नीचे मैंने क्ले डाल दिया और इस तरह से सभी को इसमें डाल दीजिए। अब क्या करेंगे ना, इसके ऊपर सोइल लगाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप प्रोसेस देखिए। तो ये प्लांट काफ़ी ईजिली प्रोपोगेट भी आप कर सकते हैं, इनका प्रोपोगेशन बहुत ईजिली हो जाता है। कैसे, आप एक लीफ से तीन चार लीफ के कटआउट्स करके उसको पानी में डालिए और बहुत ईजिली रूट आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से बकबक तकबक करके सारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट मतलब प्लांट बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं बेसिकली स्ट्रिंग ऑफ हार्ट, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने क्या किया, जो ऊपर का ढक्कन होता है ना, जो मतलब हम लोग जो भी दवाई वगैरह यूज़ करते हैं उसका, मैंने उसकी लिड का यूज़ किया। फिर इसको अच्छे से मोल्डेड क्ले से कवर किया। अब चलिए इसमें इस तरह से पतले पतले स्ट्रिंग में लगा रही हूँ, ठीक है, मोल्डेड क्ले का ही यूज़ करके। अंदर में मैंने सुपर क्ले को भर दिया। अब यहाँ पर मेरी क्ले पूरी तरह से खाली हो चुकी है, तो अच्छा हुआ कि मैंने क्ले ऑर्डर करके मंगवा लिया था, तो ये भी टाइम पर आ गई है। तो चलिए इस बॉक्स में अपने क्ले को रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इससे क्ले लेंगे। मोल्डेड क्ले बहुत अच्छे से बन जाता है, इसलिए मैं मोल्डेड क्ले ही ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ आजकल। तो चलिए अब इसकी ना हम लीव बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मोल्डेड क्ले का यूज़ किया मैंने, एक मोल्डेड क्ले से अच्छे से मिक्स किया और इस तरह से आपको हार्ट शेप का छोटा छोटा बना के बहुत सारा रख लेना है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसको इसमें लगाएंगे, यहाँ पे मैंने फेविक्विक का यूज़ किया इसको लगाने के लिए। तो पहले तो मैंने दिमाग लगाया और यहाँ पे आप देखिए मैं मतलब उल्टी लीफ लगा रही हूँ। उसके बाद मुझे याद आया कि नहीं, इसको ऐसे मतलब नीचे वी वाला शेप नीचे जाना चाहिए और हार्ट वाला जो ऐसे कटआउट रहता है ना, वो ऊपर की साइड आना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से पूरे में लगा देंगे। पहले तो मैं बहुत सोच रही थी कि इसको कैसे
कैसे बनाऊँ कैसे बनाऊँ कौन सी क्ले से बनाऊँ। फिर मतलब ऐसे बाद में जब बन गया तो लगा कि अरे ये तो ईजी था, ऐसे बना सकती थी, लेकिन पहले मुझे थोड़ा सा इस वाले प्लांट में दिमाग लगाना पड़ा। ठीक है, तो मुझे ये प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है। इसे ना मतलब स्ट्रिंग ऑफ हार्ट भी कहते हैं, सेरोपेजिया भी कहते हैं, और ये अफ्रीका और साउथ एशिया साइड के मतलब प्लांट हैं। बहुत अच्छा अच्छा इसमें वेरिएशन आता है, बहुत प्यारे प्लांट रहते हैं ट्रस्ट में। और ये ना सक्यूलेंट वैरायटी का मतलब सक्यूलेंट ही कहलाएगा। इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा वाटर कर दोगे ना, ओवर वाटरिंग से ये रूट रॉट हो जाता है, प्लांट ख़राब हो जाता है। बहुत अच्छा इंडोर प्लांट है। इसको बतना बहुत अच्छी सी लाइट चाहिए होती है, इसको धूप नहीं चाहिए होती है, ठीक है, लाइट चाहिए होती है। अच्छी लाइट में बहुत अच्छा ग्रो करता है। ठीक है, तो इसके मतलब बैक साइड पे थोड़ा पर्पल टाइप का पिंक रहता है, तो उस तरह का मैंने कर दिया है। प्लांटर को मैंने ब्लैक किया है बहुत अच्छे से बचा के। ठीक है, तो इसी तरह से चले इसको पेंट कर लेते। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि ये वाला प्लांट मैं लाऊं। ठीक है, मेरे पास ये पहले था भी, लेकिन उसके बाद ना मैंने जब थोड़ा सा केयर करना छोड़ दिया तो मेरे बहुत सारे प्लांट खराब हो गए, मर गए। अच्छा, इसके लीफ में मैंने बहुत प्यारा सा पिस्ता ग्रीन यूज़ किया है। ठीक है, पेंट हल्का लाइट शेड आपको करना है। तो अच्छा, इसका ना प्रोपागेशन बहुत ईजी ये भी प्रोपागेट हो जाते हैं। आप इसकी कटिंग को ना पानी में डाल के भी प्रोपागेट कर सकते हो, साथ ही साथ सॉइल में भी लगा के। ठीक है, तो इस तरह से कुछ मैंने दो तीन ग्रीन का यूज़ किया है। यहाँ पे साइड साइड में आपको अच्छे से ग्रीन लगाना है, आउटलाइन करना है, और इस तरह से आपको ग्रीन ग्रीन करके इसको फिंगर की हेल्प से टैप टैप करके एक्स्ट्रा पेंट को डैप करके निकाल देना है। ठीक है, तो इस तरह से चलिए बहुत प्यारा सा टेक्सचर इसमें देते हैं। बहुत अच्छा अभी तक ये तो लुक आ रहा था, मुझे लग रहा था इसमें मतलब क्योंकि मेरी पेंटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मुझे इसी बात का डाउट था कि पता नहीं मुझसे वो वाला टाइप का पेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी तक सही जा रहा है। आप मुझे कमेंट में बताओ कि अभी तक ये ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उसके बाद तो उसका फाइनल लुक देखने के बाद समझ में आ ही जाएगा कि वैसा कुछ बना है कि नहीं बना है। इसका बहुत अलग अलग वेरिएशन होता है, मतलब बहुत प्यारे प्यारे से आपको इसकी लीफ में वेरिएटेड लीफ मिलेंगी। ठीक है, तो मुझे ना बेसिकली इस तरह के वाइन वाले प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, जो बहुत अच्छे सा बुशी वाला लुक आता है ना। एक आता है टैंगल थर्ट, वो भी मैंने बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है, वो भी बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, इस बार का जो जितने भी मैं प्लांट बना रही हूँ ना, अगर आप लोगों को इस बार का प्लांट पसंद आएगा और आप लोग इस वाले वीडियो में बहुत सारा कमेंट करोगे, प्यार दिखाओगे, तो मैं नेक्स्ट भी बहुत सारे अलग अलग प्लांट बनाने वाली हूँ, ऐसा मैंने सोचा है। आप भी मुझे बताना कमेंट में, मुझे बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से बात करते करते ये भी प्लांट कंप्लीट हो गया था। अब इसमें अच्छे से मैंने वही गार्डन वाली सॉइल का यूज़ किया, उसको अच्छे से आप डाल दो ताकि बिल्कुल रियल लुक आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से सॉइल डालने के बाद क्या करेंगे, ऊपर से मैं फेविक्विक डाल दे रही हूँ ताकि मिट्टी किस धर से भी किसी भी तरह से बाहर ना आए। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाए, बहुत अच्छे से फिक्स हो गई। अब नेक्स्ट प्लांट करेंगे फिडल लीफ फिग। ये एक बहुत अच्छा सा प्लांट होता है, बहुत हाई मतलब इसकी हाइट बहुत ऊपर तक जाती है। ठीक है, हाइटेड प्लांट होता है। अगर आपको किसी एरिया को एकदम अच्छा सा फ्रेश लुक देना है ना, तो आप बैकग्राउंड में इस तरह का प्लांट यूज़ कर सकते हो। तो सेम उसी प्रोसेस से मैंने नीचे का जो प्लांटर है वो बना लिया, तीन वायर को लिया है इस तरह से, और इसमें डाल के अच्छे से इसको ग्लू से फिक्स कर देंगे। अब इसके ऊपर अच्छे से क्ले लगाएंगे। तो ये वाला ना मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि पता नहीं मुझसे कैसा बनेगा, लेकिन अभी तक की मैं ट्राई कर रही हूँ, शायद से कुछ अच्छा बन जाए, शायद से कुछ अच्छा ना बने, तो नेक्स्ट टाइम पर कुछ अच्छा कर लेंगे। तो चलिए इसी तरह से मतलब इसको पुट्टी को, सॉरी पुट्टी नहीं है, ये मोल्डेड क्ले का ही यूज़ किया। सारे मतलब जितने भी अभी तक के मैंने बनाया ना, सारे का मोल्डेड क्ले से ही बनाया है। बस फर्स्ट वाला स्नेक प्लांट को मैंने मास्किंग टेप से बनाया था, और प्लांटर के अंदर वाले साइड पे मैंने कहीं कहीं पे सुपर क्ले का यूज़ किया। ठीक है, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि इस वाले प्लांट में पूरी तरीके से आप मोल्डेड क्ले का ही यूज़ करिए, क्योंकि ये प्लांट थोड़ा सा हेवी हो जाएगा, वेट इसका अच्छा हो जाएगा, तो ये शायद से प्लांटर गिरे। तो बाद में मैं भी यही सोच रही हूँ कि इसमें मैं वही लगा दूँगी मोल्डेड क्ले। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा भारी होती है, वेटेड होती है। ठीक है, तो इसी तरह से लीफ मैंने बना लिया थोड़ा सा अपना, जैसे जैसे मुझे अभी तक समझ में आ रहा है वैसे करके थोड़े से इसमें मतलब अच्छे से डिटेलिंग भी ऐड कर दिया है। तो इस तरह से कर दीजिए ताकि थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक आ जाए। तो इस तरह की टोटल मैंने 11-12 लीफ बनाई है। अब इसको थोड़ा सा जब ये हल्की ड्राई होने लगे ना, उसके बाद आपको इसको इस तरह से अटैच करना है। इसमें बिल्कुल गीले गीले में मत करिएगा जब ये अच्छे से ड्राई नहीं हुई हो, क्योंकि फिर ये गिर के नीचे गिर जाएगी। थोड़ा जब हार्ड होना स्टार्ट हो जाए तब आप इसको लगा दीजिए। अब इसके नीचे वाले पार्ट पे जितने भी स्टेम्प है उसको ब्राउन करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सा प्लांट एकदम ट्री के तरह होने लगता है। ये हर साल में करीब मतलब 2 फीट बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छी खासी इनकी हाइट हो जाती है, और बहुत अच्छा इंडोर प्लांट है, मतलब बहुत ही अच्छा। लेकिन आप इसको बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर दोगे तो रूट रॉट हो जाता है। तो जब अच्छे से कम्प्लीटली सॉइल ड्राई हो जाए तो ही आप इसमें वाटर करो। ठीक है, और साथ ही साथ आप इसको ईजिली प्रोपोगेट भी कर सकते हो। ये तीनों प्लांट आप बहुत ईजिली प्रोपोगेट कर सकते हो। इसकी छोटी सी आप कटिंग लेके इसको पानी में डाल के प्रोपोगेट कर सकते हो। तो बात करते ही करते इसको मैंने पेंट कर लिया था।
अब चलिए इसको भी रियल लुक देने के लिए नीचे में सॉइल का यूज़ करेंगे। तो पहले इसमें मैंने पहले फेविकोल डाल दिया था, उसके बाद मैंने सॉइल लगाया। तो आप ऐसा मत भी करिए, डायरेक्ट आप सॉइल लगाइए, उसके ऊपर से आप फेविक्विक का यूज़ कर लीजिए, तो बहुत ईजी वो चिपक जाता है, ठीक है, स्टिक हो जाता है। तो अब इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड कर रहे हैं जहाँ तक कि मुझसे पॉसिबल हो रहा है, लेकिन अभी तक तो ये मुझे रियल इसकी लीफ नहीं लग रही है। धीरे धीरे आप जाके जब बहुत थोड़ा लाइट करके आप येलो को लगाइएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। बहुत ज़्यादा डार्क येलो एकदम वाइब्रेंट नहीं दिखना चाहिए, और थोड़ा ना एक्स्ट्रा पेंट को वाइप आउट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ मैं डिटेलिंग ऐड कर रही हूँ, और मुझसे जितना हो पा रहा है कि इसको मैं रियल दिखाऊँ। बैक साइड पर भी आप इस तरह से येलो से डिटेलिंग ऐड कर दीजिएगा। आप चलिए एक यहाँ पर मैंने स्टोन रख दिया, और ये रहा इन तीनों का फाइनल लुक। तो आपको ये कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है? मुझे तो मतलब अगर बोला जाए तो सबसे रियल तो स्नेक प्लांट लग रहा है, लेकिन हाँ ये जो मैंने बनाया ना स्ट्रिंग ऑफ हार्ट, ये भी मुझे बहुत रियल लग रहा है। और थोड़ा सा मुझे फिडल लिप फिग में डाउट है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो रियल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बाकी घर में सबको वो रियल लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद फिडल लिप फिग में कहीं ना कहीं तो वो मतलब रियल वाला मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो मैं वेट करूँगी ताकि आप मुझे कमेंट में बता दो। और नेक्स्ट आपको अगर और प्लांट तरह तरह के अगर आप चाहते हो कि मैं बनाऊं तो आप मुझे ज़रूर बताना। ये देखिए कि कितना रियल लग रहा है, पीछे स्नेक है और आगे जो छोटा वाला स्नेक प्लांट है जो मैंने बनाया वो है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा रियल लग रहा है, स्ट्रिंग ऑफ हाइट भी बहुत ज़्यादा रियल लग रहा है। ये है फिडल लिफिक, ये भी लग ही रहा है, मतलब कहीं ना कहीं तो लग रहा है, लेकिन वो जो होता है ना कि एकदम हाँ इसके। फिर ना स्टेम में भी मैंने क्या किया था, ब्रांचेस पे भी बहुत अच्छे से थोड़ा सा सॉइल यूज़ कर लिया था, आप देख सकते हो, तो इससे थोड़ा सा रियल लुक आ रहा था। तो आप भी ऐसे कर लेना। बाद में मैंने थोड़ा सॉइल डाल के और उसके ऊपर भी मैंने फेविक्विक का यूज़ कर लिया, तो थोड़ा सा जो टेक्सचर बनाना तो उससे थोड़ा सा रियल लग रहा था, ठीक है। अच्छा, मैंने इतना आपको पका दिया है, रियल लग रहा है नहीं लग रहा है, रियल लग रहा है नहीं लग रहा है, तो आप मुझे अब बोलोगे कि अब जाओ। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।